गाइज, वाटर लेवल पाइप, इसको आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ देखा होगा। गाइज, हमारे जितने भी काम होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, एक्सकवेशन वर्क हो, तो उसमें आपने मैसन को लेवल पाइप का यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ये लेवल पाइप है क्या, इसका यूज़ कैसे करते हैं, वही हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो एंड तक बने रहिए अगर इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आपने YouTube मैनोमीटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, जिससे जो लिक्विड का प्रेशर है पाइप्स में, उसको मेजर किया जाता है। इस मैनोमीटर का एक एंड पाइप में कनेक्ट होता है और दूसरा एंड एटमॉस्फेयर में फ्री रहता है। इसके एक एंड को जहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो पानी जब कंटिन्यू फ्लो करता है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है जो ऑलरेडी लिक्विड है इस यूट्यूब मैनोमीटर में। और इस मैनोमीटर में हमेशा हैवी लिक्विड रखा जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पाइप में फ्लो कर रहे लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हमें H1 और H2 की रीडिंग मिलती है, जिससे प्रेशर को मेजर करते हैं। ये थी बात फ्लोइंग फ्लूड्स के लिए। अगर हमारा फ्लूड स्टेटिक है, जैसे इस बकेट में हमारा फ्लूड स्टेटिक है, और इसके साथ हम कोई पाइप या यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करें, तो जो पानी का लेवल इस बकेट में होगा और इस ट्यूब में होगा, वो एक ही लेवल पे होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग में लेवलिंग पर्पज़ के लिए। आइए देखते हैं कैसे। देखो गाइज, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। बट इफ़ इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर कंस्ट्रक्शन लोकल स्केल पे है, तो लोकल मैसन लेवल पाइप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा प्लिंथ बीम है, तो इसकी कास्टिंग से पहले जब यहाँ पे फॉर्मवर्क डलता है, वहाँ पे मार्किंग होती है कि किस लेवल तक बीम की डेप्थ रखी जाए, तो वो सब होता है लेवल पाइप से। इसी तरीके से अगर हमारी वॉल्स हैं, तो वॉल्स की जो लेयर्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो लेवल में होने चाहिए। तो वो सब कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले लेवल पाइप जो होती है, ये PVC मटेरियल की बनी होती है। इसका जो डायमीटर है 6 to 10 mm के बीच में आती है मार्केट में, और 30 मीटर से 100 मीटर की लेंथ में अवेलेबल है, और ये मिलती है हमें KG के हिसाब से। जैसे ज़्यादातर लेवल पाइप 1 kg 120 rupees की मिलती है। अब इसका यूज़ मैसन्स कैसे करते हैं, देखिए। देखो गाइस, सबसे पहले लेवल पाइप को लेंगे, उसमें पानी फिल कर देंगे। ध्यान रखें उसमें बबल ना बने। उसके बाद दो ओपन एंड्स को हम एक लेवल पे लेंगे और वाटर लेवल चेक करेंगे। वो एक लेवल पे आ जाने के बाद, हम एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जिसके लेवल पे दूसरा पॉइंट हमें मार्क करना है, चाहे वो वॉल का हो, चाहे बीम का हो, चाहे कॉलम का हो, स्लैब का हो, वो लेंगे और उसको मार्क कर देंगे। उस पर हम पानी का जो लेवल है, वो वहाँ पर रख देंगे। और फिर हम अपनी लेवल पाइप का जो दूसरा पॉइंट है, पानी का जो लेवल है, वो वहाँ पे लेंगे, दूसरे कॉर्नर पे, जहाँ पे हमें लेवल चाहिए इसी पॉइंट का, तो वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो ये दो पॉइंट जो हैं, एक ही लेवल पे आते हैं, फिर इनको हम मार्क कर देंगे स्ट्रेच करके किसी धागे से। इस तरीके से लेवलिंग की जाती है बिल्डिंग्स में बाई लोकल मैसन्स।